मुस्लिम लोगों ने पीडीपी को 28 सीटें दी, चाहे वो पुलवामा था, पांपोर था, आस की सीटें थी, तमाम सीटें जो है वो पीडीपी के हवाले की गई और उसका नतीजा क्या निकला इलेक्शन के फौरन बाद 28 सीटें जो है। तस्वीर तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कैंपेन हमारा अच्छा रहा। लोगों का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्रामों या जलसों में, रोड शोज में जो शिरकत रही, उम्मीद से ज़्यादा रही। और अब हम इस उम्मीद में हैं कि परसों वोट जब डलेंगे तो अच्छा खासा हिस्सा वोटों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को मिलेगा और वो यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे। उमर साहब, आपको लगता है ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है पिछले कहीं चुनावों से? अब किस लिहाज से डिफरेंट नहीं है ना, पहले चुनाव है यूटी के हैसियत से, पहले चुनाव है जिसमें लद्दाख का हिस्सा नहीं है, पहले चुनाव है जिसमें कि 5 अगस्त 2019 के तमाम जो हमारे साथ धोखे हुए उनके बाद, तो हर लिहाज से मैं आज इस इलेक्शन में वो तंजीम में हिस्सा ले रही हैं जिन्होंने इलेक्शन से दूर रहने का फैसला किया था पिछले 30-35 साल। तो इलेक्शन में कुछ ऐसी नई बातें हैं जिनका कितना असर होगा वो आगे पता चलेगा। इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी का फ्रेंडली इलेक्शन लड़ना या ऐलान करना, आप कैसे देखते हैं सब सारी चीज़ों को? लास्ट मोमेंट पर यह सब कुछ हो रहा है, तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए, कोई बात नहीं ना, हम मुकाबला कर लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को श्रीनगर आ रहे हैं और बीजेपी का दावा है कि 30,000 से ज़्यादा लोग जो है पीएम की रैली में शामिल होंगे, तो आपको लगता है ये एक बड़ा बदलाव है कि पीएम की रैली में चुनावों के दौरान इतना रोल? कितना मुश्किल है पैसा खर्च करके 30,000 लोग इकट्ठा, इतना मुश्किल नहीं है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने सरकारी मुलाजिम तमाम जमा करके रैली को खिताब किया। अब मुझे रैली मत दिखाइए ना, मुझे वोट दिखाइए। बीजेपी कश्मीर वादी से एक सीट जीत के दे, फिर हम बात करेंगे। रैली तो ना कोई भी कर सकता है, यहाँ तो अगर कोई और पार्टी भी पैसा खर्चाए वो कहीं ना कहीं से बेचारे इन डेली वेजरों को, वाकियों को जमा करके जलसे में ला सकते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 30,000 वोट बीजेपी को मिलेंगे। होम मिनिस्टर और पीएम अक्सर जो है डायनेस्टी रूल की बात करते हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। उनके पास और कुछ बेचने के लिए है नहीं, जिन्होंने 5 साल 6 साल 10 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया, उनके पास खानदानी राज के अलावा और कुछ बोलने के लिए है नहीं। अगर उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ दिया होता